पुलिस ने 12 जुआरियों को किया गिरफ्तार। पति की लंबी उम्र के लिए महिलाएं रखेंगी करवा चौथ व्रत। नशाखोरी के विरोध में महिलाओं ने भरी हुंकार। पुलिस अधीक्षक नगेंद्र सिंह द्वारा थाना क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की जुआ, सट्टा एवं अवैध शराब सहित अन्य अवैध गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई हेतु निर्देशित किया है। प्राप्त निर्देशों पर परसवाड़ा पुलिस ने दर्जन भर जुआ खेलते जुआड़ियों को पकड़ने में बड़ी सफलता हासिल की है। जानकारी के अनुसार परसवाड़ा क्षेत्रांतर्गत ग्राम बड़गांव में राम भरोस के मकान के किनारे खुले स्थान पर कुछ जुआड़ी ताश के पत्तों पर रुपयों का हार जीत का दाव लगाकर जुआ खेल रहे हैं। सूचना पर वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी परसवाड़ा दीपक त्रिपाठी के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम द्वारा विधिवत घेराबंदी कर 12 आरोपियों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम बड़गांव में एक घर के खुले स्थान पर कुछ लोग इकट्ठा होकर जुआ खेल रहे थे। सूचना पर पुलिस बल के साथ हमने दबिश दी। उस स्थान पर जाकर कुल 12 लोग मौके पर जुआ खेलते पाए गए। इनके कब्जे से हमने 22,300 रुपये नकद, 10 मोबाइल फोन और 5 मोटरसाइकिल जब्त की है। आरोपी गणों के विरुद्ध 13 जुआ एक्ट एवं 112(2) BNS के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है और आरोपियों को गिरफ्तार करके अब माननीय न्यायालय के समक्ष जो है आज उनको प्रस्तुत किया। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 20 अक्टूबर को सुहागिन महिलाओं द्वारा पति की लंबी उम्र की कामना व कुंवारी कन्याओं द्वारा अच्छे वर मिलने की कामना को लेकर करवा चौथ का व्रत किया जाएगा। व्रत करने वाली महिलाओं द्वारा रात में खाना खाकर अल सुबह उठकर स्नान ध्यान कर निर्जला व्रत रखा जाता है। शाम के समय चांद निकलने पर चलनी में चांद की रोशनी में पति का चेहरा देखकर चांद को अर्घ्य देकर पति के हाथों जल ग्रहण कर व्रत खोला जाएगा। करवा चौथ को लेकर शनिवार को बाजार में पूजन सामग्री खरीदने महिलाओं की काफी पहल देखी गई। जगह जगह पूजा की सामग्री की दुकानें सजी होने से बाजार गुलजार रहा। तहसील मुख्यालय परसवाड़ा के ग्राम अरंडिया में आज महिलाओं द्वारा नशाखोरी के विरोध में रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान ग्राम अरंडिया की सैकड़ों से अधिक महिलाओं ने एकत्रित होकर गांव में घर घर जाकर सभी को इस दिशा में जाने से रोकने के संदेश दिए। इन ग्रामीण महिलाओं का मानना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में नशाखोरी बढ़ी है, जिससे यहाँ के युवा वर्ग भी नशे के आदि होते जा रहे हैं, जिसका खामियाजा उनके घर और परिवार वालों को भुगतना पड़ता है। कई युवा तो इस व्यसन के कारण काल के गाल में भी समाते जा रहे हैं। अतः महिलाओं ने पूर्णतः शराबबंदी हेतु अपनी आवाज़ बुलंद की है, साथ ही शराब विक्रेताओं को भी पूर्णतः शराब को बंद करने की अपील की है। अभी हमारे यहाँ ज्यादातर देखा गया है कि जो छोटे बच्चे हैं बुजुर्गों का भी बंद हो गया है, चलता पर अभी जो बच्चे 14 साल, 10 साल जो हैं, 15 साल, 16 साल वो बच्चे लोग अभी से शराब पी रहे हैं, तो आगे चल के उनका विकास नहीं हो पाएगा। इस वजह से हम लोग पंचायत में जाने के बाद ही मुझे नॉलेज हुआ, इसलिए हम लोग ये नशा मुक्ति अभियान चला रहे हैं। और मैं समूह के माध्यम से अपने गांव में नशा मुक्ति अभियान चला रही हूं और हम सारे गांव वाले मिलके, समूह तो है ही, सारे गांव वाले मिलके और सारी महिलाएं मिलके जो मातृशक्ति हैं वो नशा मुक्ति अभियान चला रहे हैं और हमें इसमें सफलता भी मिल रही है, ऐसा हमें समझ आ रहा है। शासन की मंशा अनुसार अपने गाँव को नशा मुक्त बनाने का अभियान हमारी गाँव की महिलाओं ने लिया, जिसमें 5 अक्टूबर को पूरे गांव में चेतावनी दी गई कि कोई शराब नहीं बनाएगा और जिसने अगर कुछ अपना अगर महुआ वगैरह भिंगा लिया है तो उसको बना ले और ख़त्म करे। बालाघाट प्रधानमंत्री जटाशंकर त्रिवेदी महाविद्यालय में जिला स्तरीय जूडो प्रतियोगिता का आयोजन बैडमिंटन हॉल स्पोर्ट्स विभाग में संपन्न किया गया, जिसमें प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर गोविंद सिरसाटे के निर्देशानुसार जिला खेल अधिकारी अनिल झरबड़े के मार्गदर्शन में जिला स्तरीय प्रतियोगिता के लिए निर्णायक के रूप में खेल विभाग, युवा समन्वयक संतोष पारधी, जूडो प्रशिक्षक के माध्यम से जिला स्तर की प्रतियोगिताएँ करवाई गईं। सहायक प्रशिक्षक के रूप में शुभम मानेश्वर ने सहयोग प्रदान किया। इस प्रतियोगिता में 12 सिवनी बैहर लांजी बालाघाट की छात्राएं शामिल हुए।
बालाघाट कलेक्टर मृणाल मीणा एवं पुलिस अधीक्षक नगेंद्र सिंह ने सख्त निर्देश दिए हैं कि बिना सुरक्षा उपायों तथा अवैधानिक रूप से पटाखा व्यापारियों द्वारा स्टोर किए हुए पटाखा गोदाम की सूचना मिलने पर वैधानिक कार्रवाई की जाए। दिए गए निर्देशों के पालन में पुलिस एवं प्रशासन की टीम द्वारा परसवाड़ा में स्थित पटाखा गोदामों की जाँच की गई, जिसमें बीजा टोला परसवाड़ा स्थित राजकुमार राठौर के पुराने मकान में लगभग 2,50,000 का अत्यंत ज्वलनशील पटाखा बिना सुरक्षा उपायों के रखना पाया गया। व्यापारी से पटाखे के गोदाम में स्टोर किए जाने के संबंध में लाइसेंस व दस्तावेज के विषय में पूछे जाने पर मौके पर कोई लाइसेंस या दस्तावेज पेश नहीं किए गए। तहसीलदार द्वारा मौके पर पटाखा दुकान को सील कर पंचनामा तैयार किया गया है। व्यापारी के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।